अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपको शॉकिंग लग सकती है। जी हाँ, बियर को लेकर ये खबर सामने आ रही है सिंगापुर से। सिंगापुर सरकार ने गंदे पानी को रिसाइकल करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ की नेशनल वाटर एजेंसी एक लोकल बियर कंपनी के साथ मिलकर नाली के पानी और यूरिन से बियर बना रही है। जी हाँ, पेशाब से बियर। इसका नाम न्यू ब्रू रखा गया है। फिलहाल इसे दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली बियर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि ये न्यू ब्रू बियर आखिर कैसे बनाई गई। न्यू ब्रू को न्यू वाटर से बनाया गया है। यह एक तरह का पानी है जिसे नाली के पानी को रिसाइकल और फिल्टर करके सिंगापुर वाटर सप्लाई में पंप किया जाता है। इस नाली के पानी में मनुष्य का मल, पेशाब, हर वो गंदी चीज मिली हुई होती है। सिंगापुर सरकार पिछले 20 सालों से यह काम कर रही है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक गंदे पानी को इस प्रकार से फिल्टर किया जाता है कि वह पीने लायक साफ पानी बन जाए। बियर कंपनी की माने तो न्यू ब्रू में 95% न्यू वाटर ही मिला हुआ है। द स्ट्रेट टाइम्स के अनुसार न्यू ब्रू 8 अप्रैल को लॉन्च की गई है। इसे सिंगापुर वाटर एजेंसी PUB और लोकल क्राफ्ट बियर कंपनी ब्रीवर्क्स ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट को सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर का सहयोग भी मिला है। न्यू ब्रू देश के सभी शराब की दुकानों और बार में उपलब्ध है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बियर बनाने के लिए पेशाब और नाली के पानी का इस्तेमाल क्यों किया गया। सिंगापुर वाटर एजेंसी का कहना है कि अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस से जूझ सकती है। ऐसे में हमें पानी को बचाने और रिसाइकल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बियर को बनाने में बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, क्योंकि यह 90% H2O ही होता है। इसलिए न्यू ब्रू इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की एक पहल है। कंपनी का कहना है कि रिसाइकल किया गया गंदा पानी बियर के स्वाद में कोई बदलाव नहीं करता है। बियर के विज्ञापन के मुताबिक इस बियर का आफ्टर टेस्ट हल्का भुना हुआ और शहद की तरह है। यह शराब गर्मियों में सिंगापुर के लोगों की प्यास बुझाएगी। इस बियर को नाले के पानी से बनाने के पीछे एक बड़ी वजह सिंगापुर में पानी की समस्या को भी बताया जा रहा है। दरअसल चारों ओर समुद्री पानी से घिरे सिंगापुर में लोग पीने के पानी की कमी से जूझते हैं। ऐसे में सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कई सालों से नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर को मजबूरन मलेशिया से पीने का पानी खरीदना पड़ता है। देश में बारिश के पानी को भी इकट्ठा किया जाता है। सबके बावजूद यहाँ केवल 50% पानी की जरूरत ही पूरी होती है। 2060 तक सिंगापुर की आबादी बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में लोगों के पास न्यू वाटर और समुद्री पानी को साफ पानी में बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।